ये है माइंड मीडिया Q8SE 4G एनकोडर। इससे आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, इसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसे अपने मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हो और बॉन्डिंग की सुविधा भी इसके अंदर मिल जाती है। माइंड मीडिया का ये वीडियो एनकोडर इस तरह की पैकिंग में आता है, तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यह है इसका 12 वोल्ट 3 एम्पीयर का पावर एडाप्टर, जिससे आप इस डिवाइस को पावर दे सकते हो। इसके अलावा इस डिवाइस में बिल्ट इन बैटरी भी दी गई है, आप बैटरी पर भी इसे ऑपरेट कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पर हमें मिलते हैं दो एंटीना, ये डिवाइस के ऊपर माउंट हो जाएंगे। और ये है हमारी मेन डिवाइस माइंड मीडिया Q8SE 4G बॉन्डिंग एनकोडर। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की डिवाइस है, लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट साइज है, पूरी बॉडी मेटल से बनी हुई है। यहां पर एक QR कोड दिया गया है, QR कोड को स्कैन करके आप इसके एम लाइव ऐप को अपने मोबाइल फोन पर इंस्टॉल कर सकते हो और मोबाइल फोन ऐप से भी आप इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। यहां पर एक छोटा सा फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, साथ ही साथ यहां पर कुछ कंट्रोल बटन दिए गए हैं। यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट स्टॉप करने का बटन दिया गया है, एक लॉक का बटन दिया गया है, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक के लिए एक बटन दिया गया है, ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और यहां पर इनके सारे इंडिकेशन भी देखने को मिल जाते हैं। डिवाइस में नीचे की साइड यहां पर एक सिम कार्ड स्लॉट दी गई है और एक SD कार्ड स्लॉट दी गई है, एक USB पोर्ट इसमें दिया गया है। USB पोर्ट में भी आप सिम डोंगल लगा सकते हो, यानी एक सिम आपका डोंगल के थ्रू यहां पर लग जाएगा और एक सिम आपका यहां पर लग जाएगा। और यहां पर हमें दिया गया है इसका पावर पोर्ट, जो एडाप्टर इसके साथ आया है उसको आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ इथरनेट पोर्ट का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया गया है। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें वाईफाई कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, तो यहां पर आप एक सिम कार्ड इसके अंदर लगा सकते हो और एक आप इथरनेट के थ्रू इसे कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और साथ ही साथ यहां पर एक सिम आप सिम कार्ड स्लॉट में लगा सकते हो। यहां पर जो एंटीना इसके साथ आए हैं वो एंटीना हमारे यहां पर इंस्टॉल हो जाएंगे। यहां पर हमें मिलता है इसका HDMI पोर्ट, आप अपने कैमरा को यहां पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आपका कोई वीडियो स्विचर है उसके आउटपुट को आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पर ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट का पोर्ट दिया गया है, 3.5 mm का ऑडियो पोर्ट मिल जाता है। यहां पर आप अपना माइक कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपने मिक्सर का आउटपुट यहां कनेक्ट कर सकते हो और यहां पर हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो या फिर ऑडियो आउट आप यहां से ले सकते हो। और नीचे की साइड ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन दिया गया है, आप इसे ट्राइपॉड के ऊपर भी माउंट कर सकते हो और आप अपने कैमरे के ऊपर भी इसे माउंट करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले जो एंटीना इसके साथ आए, इस एंटीना को हम ऊपर की तरफ इस तरह से माउंट कर देंगे। तो दोनों एंटीना हमारे यहां पर इंस्टॉल हो चुके हैं। यहां पर जो सिम कार्ड स्लॉट दी गई है इसके अंदर सबसे पहले मैं एक सिम लगा देता हूं और रिकॉर्डिंग के लिए SD कार्ड मैं यहां पर लगा दे रहा हूं। यहां पर जो पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है इसे आपको प्रेस करके होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड के लिए, तो डिवाइस हमारी ऑन हो जाएगी। ये देखिए माइंड मीडिया की ब्रांडिंग यहां पर आ रही है। तो यहां पर अब हमारी डिवाइस ऑन हो चुकी है। यहां पर एक छोटा सा फुल टच स्क्रीन दिया गया है, इस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ऊपर की साइड आपके जो भी सिग्नल हैं, जैसे हमारा सिम का सिग्नल यहां पर आ रहा है, वाईफाई का सिग्नल आ रहा है, सारा स्टेटस आप यहां पर देख सकते हो। आपका बैटरी स्टेटस क्या है वो यहां पर आपको दिखाई देगा, सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है वो दिखाई देगी, आपने SD कार्ड लगा रखा है नहीं लगा रखा वो यहां पर आपको दिखाई देगा। ऑडियो के लिए स्पीकर का ऑप्शन भी यहां पर आ रहा है। इसके अलावा इस साइड यहां पर आपको दो बार दिखाई दे रहे हैं, ऑडियो के बार है, लेफ्ट और राइट। बैकग्राउंड में म्यूजिक भी लगा सकते हो और एक सेटिंग का बटन यहां पर दिया गया है। तो सेटिंग के बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ये सब ऑप्शन देखने को मिलते हैं। BNC ऑप्शन है, ऑडियो का ऑप्शन है, जो भी ऑडियो वगैरह आपको सेटअप करना है उसका ऑप्शन यहां मिल जाता है। ऑडियो का बिटरेट वगैरह सब आप यहां से सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर आपको नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आपके नेटवर्क हैं वो यहां पर दिखाई देंगे, मोबाइल नेटवर्क, लेन, वाईफाई। और यहां पर जो सबसे नीचे आपका ऑप्शन दिया गया है ये इंटरनेट बॉन्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, लैंग्वेज सेट करने का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा यहां से आप इसके ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हो और ये रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, ये सब ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप चाहो हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीमिंग करना वो भी कर सकते हो और वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग भी आप इसमें कर सकते हो। अब मैं इसे अपने कैमरे से कनेक्ट करने वाला हूं। यहां पर जो
HDMI पोर्ट दिया गया है। HDMI पोर्ट पर मैं अपना DSLR कैमरा कनेक्ट करूंगा और DSLR कैमरे के ऊपर ही मैं इसे माउंट कर देता हूं। मैंने इसे अपने DSLR कैमरे के ऊपर माउंट कर दिया है। काफी लाइट वेट डिवाइस है, आराम से आप इसे लेके कहीं भी घूम सकते हो, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो इसके अंदर मैंने एक SD कार्ड लगा दिया है, एक सिम कार्ड इसकी सिम कार्ड स्लॉट में लगा दिया है और एक सिम डोंगल यहां पर कनेक्ट कर रखी है और वाईफाई के थ्रू भी मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है। इसके अलावा लेन का पोर्ट भी दिया गया है, तो आप लेन पोर्ट के थ्रू भी यहां पर अपना इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी इंस्टॉलेशन हमारी यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। HDMI पोर्ट के थ्रू मैंने यहां पर अपना DSLR कैमरा कनेक्ट कर दिया है। अब जो भी फुटेज है वो हमारी फुटेज यहां पर, इसकी जो छोटी सी स्क्रीन है, तो आपकी फुटेज भी यहां पर दिखाई देती रहेगी और ऑडियो की आपको मॉनिटरिंग करनी है वो भी आप यहां से कर सकते हो। ये जो बार आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करो, ऑडियो मिक्सर एक तरह का यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां से आप ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हो। यहां पर एक रिकॉर्डिंग के लिए बटन दिया गया है, इस बटन को आपको प्रेस करके होल्ड करके रखना है और उसके बाद आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर रेड कलर का यहां पर एक डॉट आ रहा है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स यहां पर दिखने लगेंगी, जो भी आपने रिकॉर्ड की होगी वो यहां पर दिख जाएगी और रिकॉर्डिंग को यहां से प्ले कर लो। हमारी रिकॉर्डिंग यहां पर प्ले हो रही है, तो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग प्ले करके भी यहां पर देख सकते हो। बहुत सारे प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट करता है, जैसे RTMP, RTMPS, SRT, इस तरह के प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ आप इसमें वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में माइंड मीडिया का एम लाइव ऐप इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने अपने मोबाइल फोन में एम लाइव ऐप इंस्टॉल कर रखा है। जब आप इस डिवाइस को परचेज करोगे तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप इसके एम लाइव ऐप में लॉगिन कर सकते हो। मैंने यहां पर लॉगिन कर लिया, अब आप देख सकते हो हमारी डिवाइस का नाम यहां पर आ रहा है माइंड Q8SE और यहां पर ये ऑनलाइन शो कर रहा है, यानी हमारी डिवाइस जैसे ही आप ऑन करोगे तो यहां पर उसका स्टेटस आपको शो हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, जैसे हम यहां क्लिक करेंगे आपको यहां पर अपने मोबाइल फोन पर सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहां डिवाइस इन्फो पर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी डिवाइस का पूरा स्टेटस आपको यहां देखने को मिल जाएगा। इनपुट सोर्स आपने क्या कनेक्ट कर रखा है, जैसे 1080p हमने सेलेक्ट कर रखा है वो यहां शो हो रहा है, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टेटस शो हो रहा है, इसके अलावा SD कार्ड का स्टोरेज आपका कितना है वो यहां शो हो रहा है, सारी डिटेल देख सकते हो, बैटरी स्टेटस यहां पर आ रहा है, वर्जन लैंग्वेज सब ऑप्शन यहां देख सकते हो डिवाइस इन्फो के अंदर। इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर आप अपना लोगो लगाना चाहो, अपनी स्क्रॉलिंग टेक्स्ट लगाना चाहो वो सब आप लगा सकते हो। OSD सेट पर आप क्लिक करो तो यहां पर आप अपना लोगो लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो और स्क्रॉलिंग टेक्स्ट भी लगा सकते हो। टेक्सचर पर क्लिक करो, यहां पर जो भी आप लिख दोगे वो आपका यहां पर टेक्स्ट लग जाएगा स्क्रीन के ऊपर। और स्क्रॉलिंग के लिए यहां पर रोलिंग स्पीड का ऑप्शन दिया गया है, यहां से बैकग्राउंड कलर वगैरह सिलेक्ट करना हो वो चेंज कर सकते हो, साइज वगैरह, ट्रांसपेरेंसी, ये सब ऑप्शन यहां पर मिल जाते हैं। इसके अलावा स्कोर बोर्ड का ऑप्शन भी दिया गया है, लाइव स्ट्रीमिंग में स्कोर बोर्ड भी आप यहां से इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अब यहां पर आपको लाइव स्ट्रीमिंग कैसे स्टार्ट करनी है उसके लिए आप पुश फ्लो पर क्लिक करो। जैसे आप पुश फ्लो पर क्लिक करोगे, अब नीचे की साइड यहां पर आप देख रहे हो RTMP URL यहां दे रखा है और स्ट्रीम की यहां दे रखी है। तो जहां पर भी आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो उसका RTMP URL आपको यहां पर एंटर कर देना है और यहां पर आपको स्ट्रीम की एंटर कर देनी है। उसके बाद ये एंटर करने के बाद जैसे आप स्टार्ट पुशिंग पर क्लिक करोगे आपकी डिवाइस से लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग वाली जो इंडिकेटर है, ये वाला इंडिकेटर कंटिन्यूअस ब्लिंक करना स्टार्ट कर चुका है, यानी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। लाइव स्ट्रीमिंग की फुटेज हमारे YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर यहां पर आ रही है, ये देखिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग प्रॉपर तरीके से चल रही है। अब सिंपल इसे लेके हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी हम शूट कर रहे हैं तो हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग की फुटेज है वो यहां से आ रही है। और लाइव स्ट्रीमिंग को अगर आप स्टॉप करना चाहो तो यहां से लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप कर सकते हो, ये वाला जो बटन है इसे प्रेस करो और यहां पर आ रहा है स्टॉप स्ट्रीमिंग, स्टॉप स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर दो और उसके बाद यस पर क्लिक कर दो। तो स्ट्रीमिंग को आप यहां से भी स्टॉप कर सकते हो और आप अपने मोबाइल फोन से स्टॉप करना चाहो तो वहां से भी स्टॉप कर सकते हो। और अब मैं इस डिवाइस को लेके जाऊंगा बाहर, दूर ले जाकर मैं इसे चेक करने वाला हूं कि वहां से हमारी लाइव स्ट्रीमिंग की क्वालिटी कैसी रहती है। मैं इसे बाहर लेके आ गया हूं, यहां पर आप देख सकते हो कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और इसको मैं यहां पर शूट करके आपको दिखाता हूं और आराम से आप यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग इस तरह से कर सकते हो। अपने DSLR कैमरे की जो फुटेज है वो सीधा आपके चलती रहेगी।
और कोई भी आपको यहाँ लैग वैग देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप इसे कहीं भी लेके घूम सकते हो। आप देख सकते हो काफी लाइट वेट डिवाइस है, सिंगल हैंड से आप इस तरह से इसे ऑपरेट कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही कमाल की लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस है। इस डिवाइस के अंदर आपको बॉन्डिंग की सुविधा भी मिल जाती है। मान लो आप कहीं ऐसी जगह से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो जहां पर इंटरनेट प्रॉपर नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको बॉन्डिंग की सुविधा भी मिल जाती है जो कि ऑप्शनल है। आप चाहते हो बॉन्डिंग सुविधा का इस्तेमाल करना तो उसके लिए आपको ईयरली अलग से कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। वो चार्जेस की लिस्ट मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें आपको जीवी के हिसाब से जो भी चार्जेस हैं वो ईयरली पे करने होते हैं, जिससे आप बॉन्डिंग की सुविधा का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके अलावा इसकी कीमत भी काफी कम है। इस समय आपको ये लगभग 60,000 रुपीज में मिल जाएगा। एक साल की वारंटी इसके ऊपर मिल जाती है। अगर आप इस डिवाइस को परचेज करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक सारी डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।